नमस्कार सभी को, यूथ रीच के ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा में साइंस में 10वां चैप्टर पढ़ेंगे, यूनिट टेंथ है, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर की हमारी पहली वीडियो है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस क्या होता है? तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, फोकस मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होता है जहां पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मिलती है। मतलब मुख्य अक्ष पर जो प्रकाश की किरणें हैं, वो समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जाकर मिलेगी, वो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब है वो सदैव सीधा बनता है। और सेकेंड पॉइंट है, बना हुआ प्रतिबिंब सदैव आकार में छोटा होता है। जो प्रतिबिंब बनता है वो आकार में हमेशा छोटा बनता है। थर्ड पॉइंट है, ये पश्चिम दृश्य के बहुत बड़े भाग को दिखा पाता है। जो बहुत बड़ा भाग होता है पीछे का, उसको सारे को कंप्लीट को दिखा पाता है। थर्ड क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? हमें फोकस दूरी फाइंड करनी है। तो इसकी रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है R = 2f, मतलब फोकस दूरी होती है उसका दुगुना होती है त्रिज्या। तो ये 2 इस साइड आएगा तो डिवाइडिंग हो जाएगा, तो F = radius/2। तो रेडियस हमारी है 20/2, इसको कैंसिल करेंगे 10 सेंटीमीटर। तो इसकी जो फोकस दूरी है वो 10 सेंटीमीटर होगी।